जय जय राजस्थान, वाह वारे राजस्थान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं हूं आपके साथ करतार सिंह। हम आपको बता दें कि राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ता अत्याचार को देखते हुए न्यूज 19 आपको एक कहास खबर दिखाने को जा रहे हैं, यानी कि अहम खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि राजबाला नामक महिला, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है ससुर, जेठ और पति पर मारपीट का, यानी गंभीर आरोप लगाया है और कई मुकदमे वो पाटन पुलिस थाना यानी कि सीकर नीम के थाने में दर्ज करवा चुकी है। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा और नीम के जो थाना है सीकर के अंदर, उसमें पाटन पुलिस थाना ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, हम आपको दिखाएंगे। हमारी जो बातचीत है, जो वार्तालाप है जांच अधिकारी प्रभुलाल जी से भी हुई है और पीड़ित महिला से भी हुई है, क्या कुछ है इस खबर में हम आपको बता देंगे कि जो राजबाला महिला है, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनके ससुर, जेठ और पति रणजीत पर गंभीर आरोप लगाए कि वो चाहते हैं कुछ गांव वालों के साथ मिलकर कि इस महिला को ससुराल पक्ष से निकाला जाए। आखिरकार एक महिला को ससुराल पक्ष से क्यों निकाला जाता है और क्यों ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे इस खबर के मार्फत। हम आपको बता दें कि कुछ महिला और कुछ जो आदमी है गांव के जो निवासी है, उन पर भी यानी पीड़ित राजबाला ने यह आरोप लगाया है कि उन महिलाओं ने 10 दिन पहले उनके 10 वर्षीय बेटा और खुद यानी राजबाला के साथ मारपीट की है। ये बात राजबाला और हम नहीं कह रहे और इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 19 भी नहीं करता। जो ये वीडियो में आप देख रहे हैं, ये हम आपको बता दें कि राजबाला के साथ मारपीट करती हुई महिलाओं का वीडियो सामने आ रहा है। और जो जांच अधिकारी प्रभुलाल से जब हमने हमारे न्यूज 19 स्टूडियो से वार्तालाप किया, तो उनका साफ साफ मना करना है कि ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आ रहा। प्रभुलाल जी, एक मामला है आपके पास है, मुकदमा नंबर 207 यानी 16/9/2024। हाँ, जी। इसमें क्या चल रहा है? इसमें बयानों के लिए लगाई आज बयान करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के बयान महिला करने गई है। लेकिन जो पीड़ित महिला, उनका कहना है कि 10 दिन पहले उनके और उनके बेटे के साथ मारपीट गई है, जो कि सामने वीडियो भी है उसका और सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है फुटेज। क्या कुछ सच्चाई है ये? पहले वाली आज से 10 दिन पहले की घटना बताई जा रही है। वो दूसरा मुकदमा है, वो दूसरा है, वो तो है झूठा। इतना ये नहीं है, कोई बच्चे के बारे सासू बहू के बीच में हुई थी। नहीं, इसमें अपने झूठा कैसे, मैं समझ नहीं पाया। मैं न्यूज 19 जयपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ये दूसरा है, वो है ना दूसरा। तो दूसरे 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 मुकदमे में प्रभुलाल जी, जो महिला के साथ मारपीट की जा रही है, वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, कि इसको अपन कैसे झूठा, यानी कि आप कैसे झूठा साबित करेंगे? नहीं, वो नहीं, दूसरा तो हुआ ही हकीकत में। इस महिला को लेकर आखिरकार आपके थाने में कितने मुकदमे दर्ज है और क्या कुछ आपकी पुलिस कार्रवाई कर चुकी है? हेलो, हाँ जी, इसकी कार्रवाई चालू है, अनुसंधान चालू है। कितने मामले हैं इस घटना को लेकर आपके थाने पर? इसके खिलाफ 2 मामले हैं। दूसरा मामला जो मारपीट का जो सामने आ रहा है, इसमें क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आपकी पुलिस की ओर से? कार्रवाई जारी है, प्रयास है, आज बयान समन जारी करने के लिए गई है मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल। क्या कुछ जिन महिलाओं, महिला के साथ आरोपियों ने मारपीट की है, उनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई की है, किसी को गिरफ्तार किया आपने अभी तक? 10 दिन पूर्व की घटना है। 10 दिन पूर्व की घटना थोड़ी है ये। जो पीड़ित महिला ने हमें बताया कि 10 दिन पहले खेत पर उसके बेटे और उसके साथ कुछ लोगों ने और कुछ महिलाओं ने मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसमें मारपिटाई हुई है, तीन मौतों ने की है, आदमी नहीं। उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया पाटन पुलिस ने? एक्शन प्रोसीजिंग फाइल है, प्रोसीजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुलाल जी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसको पुलिस आखिरकार झूठा किस प्रकार से साबित कर रही है। जांच अधिकारी प्रभुलाल, जो कि पाटन पुलिस में अभी थाने पर यानी मौजूद पोस्टेड है, हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी यानी पहली यानी जो हम बताएं किन पर आरोप लगाया है, कि महिला के जो पति है रणजीत, उन पर गंभीर आरोप खुद पत्नी ने लगाया कि वो उनके साथ मारपीट करते हैं, शराब के नशे में मारपीट करते हैं और वो चाहते हैं कि ये घर छोड़कर चले जाए। आखिरकार आप पूछेंगे कि महिला कहां से है और ससुराल कहां है, हम आपको बता दें कि जो महिला का जो गांव है
महिला का जो गांव है वो हम आपको बता दें कोटपुतली के पास शिमला, यानी कि शिमला जो गांव है वो कोटपुतली में आता है, और ससुराल बोपिया गांव है जो पुलिस थाना पाटन के अंतर्गत आता है। बोपिया जो गांव है उसमें महिला का ये ससुराल है, और हम आपको बता दें कि जो शिमला जो गांव है कोटपुतली में वो महिला का पियर पक्ष है। आखिरकार इस महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया जा रहा है, क्यों लगातार इस महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, और हम आपको बता दें कि जांच अधिकारी से वार्तालाप करके और बहुत कुछ सच्चाई सामने आई है, हम आपको बता दें कि जांच अधिकारी ने साफ साफ मना कर दिया कि 10 दिन पहले का ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। जब स्टूडियो से हमने बातचीत की है कि एक ये वीडियो वायरल हो रहा है और 10 दिन पूर्व की घटना बताई जा रही है, तो जांच अधिकारी प्रभुलाल ने इस वारदात को कबूला है और उनने साफ तौर पर कहा है कि अनुसंधान जारी है और 164 के बयान के लिए महिला कोर्ट पहुंच चुकी है। आखिरकार खेत से यानी थाने से कोर्ट कहां कहां चक्कर काटेगी पीड़ित राजवाला, और इसका बड़ा खुलासा हम आपको बताएंगे कौन कौन इस यानी षड्यंत्र के शिकार होने जा रहे हैं और कौन कौन इस षड्यंत्र में अपनी षड्यंत्र पूर्वक रचना रच रहे हैं, और क्यों राजवाला को गांव से निकाला जा रहा है, और पाटन पुलिस थाना अभी तक इन आरोपियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रही, जो कि जांच अधिकारी ने बताया है कि बिल्कुल 3 महिला है और जेंट्स भी है, लेकिन अभी तक किसी को जब गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। जब स्टूडियो से सवाल उठाया जाता है जांच अधिकारी के पास कि आखिरकार 10 दिन बीत चुके हैं इस घटना को, तो आपकी ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई, तो पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया, यानी कि प्रभु दयाल जो जांच अधिकारी है उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया अनुसंधान जारी है। हम आपको बता दें कि पुलिस के पास ऐसा शब्द है जो अनुसंधान के नाम से महीने क्या कई महीने बीत चुके होते हैं और पीड़ित को यह न्याय नहीं मिल पाता है। दर दर की ठोकरें खाते हुए राजवाला जो कि गरीब परिवार से आती है, वकील करने तक पैसा उसके पास नहीं है, फिर भी वो 164 के बयानों के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर हम इस खबर से आपको अवगत करवाएंगे कि आखिरकार इस महिला के साथ ये कहानी षड्यंत्र पूर्वक जो रची जा रही है क्यों रची जा रही है। अगर महिला इस प्रकार से अगर ससुराल पक्ष को नहीं छोड़ती है तो महिला को जान माल का भी खतरा है। बड़ी अपडेट के साथ बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।